सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम सेटअप करने वाले हैं अपनी वेदर फॉरकास्ट और वेदर मॉड्यूल को। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है और फिर इसमें मैजिक मिरर की कमांड लिखना है, cd मैजिक मिरर / फिर npm स्टार्ट और फिर इंटरफेस कर देना है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर मैजिक मिरर रन हो चुका है। सो इस एरिया, इस लेफ्ट साइड की एरिया में आप यहां पर देख सकते हो, हमें यहां पर वेदर मॉड्यूल शो नहीं हो रही है। सो चलिए हम इसे सेटअप करते हैं। सो अभी के लिए हम अपनी मैजिक मिरर को क्लोज करते हैं। सो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद मैजिक मिरर के फोल्डर को ओपन कर लेना है, फिर कॉन्फिग फोल्डर, उसके बाद फिर config.js इस फाइल को ओपन कर देना है। सो इस फाइल को ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो आपको यहाँ पर करेंट वेदर और वेदर फॉरकास्ट की मॉड्यूल मेंशन की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर लोकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूयॉर्क लिखी हुई है और लोकेशन आईडी की स्पेस में यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर आपका API की भी मेंशन की हुई नहीं है। सो हमें openweather.gz इस वेबसाइट में जाकर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहां से API की हमें प्रोवाइड की जाएगी। सो उस API की को हमें कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है और उसी वेबसाइट से हमें लोकेशन आईडी भी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। सो आपको यहां पर टाइप करना है openweathermap.org। तो इस पेज ओपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते हो, ये जो 3 lines हैं यहां पर आपको क्लिक करनी है और फिर आपको सिंपली यहां पर साइन इन कर लेना है। सो आपने अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं सिंपली यहां पर साइन इन कर रहा हूं। सो अकाउंट क्रिएट करने का कुछ इस तरीके के पेज आपका ओपन हो जाएगा। सो आप यहां पर देखो तो API कीज की यहां पर ऑप्शन दी हुई है। सो इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर API की आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। मैं सिक्योरिटी पर्पस से अपना API की आपसे शेयर नहीं कर रहा। सो सिंपली आपको यहाँ पर कॉपी करके ये config.js की फाइल ओपन करना है और यहाँ API की आपको पेस्ट कर देनी है और सेम मॉडिफिकेशन आपको वेदर फॉरकास्ट के मॉड्यूल में भी करना है। सो अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन आईडी लेने के लिए। सो उसके लिए आप ओपन वेदर मैप की होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर सर्च सिटी का ऑप्शन है। सो इसमें आप अपना जहां से हो आप अपनी सिटी का नाम यहां पर लिख दो। सो मैं रांची से हूं तो मैं रांची लिख देता हूं और आपको सर्च पे क्लिक करना है। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारा करेंट वेदर जो है यहां पर शो हो रहा है। सो आपका यहां पर कहीं भी लोकेशन आईडी मेंशन की हुई नहीं है। सो आपका लोकेशन आईडी आपका URL में मेंशन किया हुआ रहता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ये लास्ट की जो ये कोड है, ये आपका लोकेशन आईडी है। तो सिंपली आपको इसे कॉपी करना है और लोकेशन आईडी में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और लोकेशन के आगे आपको उस लोकेशन की नेम लिख देनी है और सेम मॉडिफिकेशन आपको यहाँ भी कर देनी है और सिंपली आपको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद चलिए अब हम अपनी मैजिक मिरर को रन कर लेते हैं। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारा यहां पर वेदर फॉरकास्ट यहां पर शो हो रहा है और वेदर करेंट वेदर भी हमारा यहां पर शो हो रही है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।